सब्सक्राइब करें टी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। ऑटो ड्राइवर के बेटे मोहम्मद सिराज ने किया भारत के लिए डेब्यू। राष्ट्रगान के दौरान आंखों में आ गए आंसू। जी हाँ, भारत देश के लिए खेलना हर खिलाड़ी का एक सपना होता है और वो सपना और भी कठिन हो जाता है जब वो खिलाड़ी गरीब परिवार से आता हो। हैदराबाद के मोहम्मद सिराज का टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना पूरा हो गया। बता दें कि सिराज के पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो चालक थे और उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी अपने बेटे के क्रिकेट में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद आईपीएल में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था और आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच में जब उनका डेब्यू हुआ तो राष्ट्रगान के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए और इन आंसुओं को देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक भावुक हो उठे। मोहम्मद सिराज ने अपने डेब्यू मैच में केन विलियमसन का विकेट लेकर अपना पहला डेब्यू विकेट लिया। हालांकि सिराज आज थोड़े महंगे साबित हुए। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।